वो मत देखो जो लोग दिखा रहे हैं, वो देखो जो लोग छुपा रहे हैं। आज की वीडियो में एक ऐसी ही हिडन लोकेशन पे लेके जाएंगे जहां से आप गुजरे भी होंगे लेकिन 100% आपने देखी भी नहीं होगी। वेलकम टू सैनिक पाकिस्तान। अभी हम निकले हैं कागान से, रात हमने कागान स्टे किया था। तो पिछला सफ़र हमारा ये था कि हम पिंडी से सुबह निकले थे तकरीबन 11-12 बजे। हम गए मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद में एक दो छोटे मोटे काम थे, बाइक लड़कों ने ठीक करवानी थी वो करवाई हैं, तो वहाँ लेट होगी। उसके बाद फर्स्ट स्टे हमने करना था नारान में, तो लेकिन काफ़ी लेट हो गई थी। हम तकरीबन 11-11.30 बजे कागान पहुँच गए थे। तो अभी हम कागान से निकल रहे हैं, नाश्ता करेंगे नारान में जाके। तो हम 10 लोग हैं, 9 बाइक हैं। बाकी यह कि अगर आप भी नारान कागान इस साइड पे आना चाहते हैं ना, तो आप वाया मुजफ्फराबाद आएँ, बहुत ज़बरदस्त रोड है। आप एबटाबाद और मानसहरा वाली खुजालत से बच जाएंगे। बाद मुजफ्फराबाद से जो आगे है ना, आपने नारान रोड पर जो चढ़ना है ना, वो है मुजफ्फराबाद जो पुल है, पुल के साथ से ही आपने लेफ़्ट हो जाना, पुल गुजर के ही ना, तो वो रोड सीधी आपको ले आएगी नारान रोड पे। वो सफ़र है, उसको गड़ी हबीबुल्ला रोड भी कहते हैं। तो उसमें आपने सफ़र करना है तकरीबन 30-35 किलोमीटर, और आपने बालाकोट से थोड़ा पीछे नारान रोड पे आ जाना। अब पहुँचते हैं नारान। रास्ते में बड़ी बड़ी वाटर क्रॉसिंग हैं, उनमें बाइक कैसे गुजरेंगे ये भी देखते हैं। और अगर आप भी बाइक पे आना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, या गाड़ी पे आ रहे हैं तो आपने कौन कौन सी एहतियात करनी है, वो आप रास्ता देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये पहली बड़ी वाटर क्रॉसिंग आ गई है कागान से आगे, और नारान से पहले आगे इससे भी बड़ी आनी है। अभी इसमें से गुज़रते हैं। अगर आप बाइक पर आ रहे हैं ना, तो आपने वाटरप्रूफ शूज़ का इंतज़ाम करके आना लाजमी। एक दफ़ा शूज़ गीले हो गए, उसके बाद ये सूखेंगे नहीं, तो बेहतर है कि आप या तो चप्पल पहन के इनको क्रॉस कर रहे हैं। नारान तक ही हैं जो 2-3 वाटर क्रॉसिंग है ना, आगे भी आ रही हैं, वो भी मैं आपको ना दिखाता हूँ। ये कागान से हम आ रहे हैं नारान जाते हुए, ये है जी सबसे पहला ग्लेशियर। लोग यहाँ पर देखें इंजॉय कर रहे हैं, ये देखें इस तरफ भी ग्लेशियर ही है। चलें जी, हम भी निकलते हैं। ये आ गया जी सुक्की किनारी डैम, जो दरिया कुनहार के ऊपर है। अब लिखा तो होता है सुक्की किनारी, तो ये समझ नहीं आ रही कि ये सुक्की किनारी है या सुक्की कन्हारी है, क्योंकि कन्हार रिवर के ऊपर है, अब अल्लाह जाने। लेकिन लिखा सुक्की किनारी है। डैम फंक्शनल हो गया है, और डैम की वजह से जो रोड डैमेज हुई थी ना, वो इन्होंने दोबारा बनाई है। ये जिस पे हम जा रहे हैं ना, ये रोड बाद में बनी है ऊपर आके, पहले नीचे थी पानी के लेवल के साथ के साथ, तो अब इन्होंने ये ऊपर बनाई है। आगे एक टनल भी बनाई है, जहाँ पे को लैंडस्लाइडिंग का मसला था ना ज़्यादा, वहाँ पे एक टनल भी बनी है। तो अभी टनल क्रॉस करनी है हमने, अभी आ गई है जी टनल। टनल में लाइटें कर लेते हैं ऑन। रात के टाइम इसकी अपनी लाइटें भी जला देते हैं, ठीक है। और टनल के अंदर अगर बाहर टेम्परेचर 35-40 है ना, तो टनल के अंदर आप यही समझें कि टेम्परेचर 15 तक होगा। बहुत सर्दी होती है अंदर टनल के अंदर ना, वो
अताबाद लेक वाली टनल है वो भी ऐसे ही है, अंदर बाहर गर्मी होती, जैसे ही अंदर जाओ तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। ये जी टनल ख़त्म हो गई है। ये हम नारान के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं, सामने आपको वो बिल्डिंग्स वगैरह होटल्स नज़र आने लग गए होंगे। और अभी चलते हैं नारान बाज़ार के अंदर से, बाईपास से नहीं जाएंगे, बाज़ार के अंदर से जाएंगे ताकि आपको बाज़ार की जो सूरत हाल है ना वो सारी दिखा सकें। रश रूटीन में ही है, इतना ज़्यादा नहीं है। वीकेंड पे तो ये रास्ते सारे जो है ना ऐसे गाड़ियों से भरे होते हैं, आने वाले जाने वाले गाड़ियां ही गाड़ियां होती हैं। वेलकम टू नारान। यहां से ये वाला रास्ता जाता है बाईपास, नारान के ऊपर से ऐसे घूम के निकल जाता है और ये जा रहा है बाज़ार के अंदर। आज को इतना ख़ास रश वगैरह है नहीं। ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੀ ਹੈ ਅਭੀ ਨਾਰਾਨ ਸੇ ਆਊਟ ਹੋਏ ਤੋ ਯੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਵੀ ਨਾਰਾਨ ਆਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਪਿਕਚਰ ਬਣਵਾਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। जैसे हर शहर के बाहर गवर्नमेंट ने लगाए हुए ना आई लव मरी, इस तरह सारा ना यहाँ पे वो सीन है आई लव नारान का यहाँ पे। तो वहाँ पे 10 मिनट रुकते हैं फिर आगे का सफ़र जारी करेंगे। अभी नारान से निकल रहे हैं तो अगला स्टे होगा हमारा बटाकुंडी में, उनके बाद राफ्टिंग पॉइंट आ जाना है। यह है जी राफ्टिंग पॉइंट और लोग कर रहे हैं राफ्टिंग। अब जैसे ये जीप है ना ये यहाँ से वापस उठा के इनको बोट्स को ले जाएगी। और ये स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है ये आगे जाके है, तकरीबन यहाँ से आधा किलोमीटर है जहाँ से राफ्टिंग स्टार्ट करवाते हैं और इस पॉइंट पे आके ना राफ्टिंग ख़त्म हो जाती है। अगर आप नारान आएँ तो आपका अगर दिल मानता हो तो आपने राफ्टिंग ज़रूर करनी है। वो है जी वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है ना वो पॉइंट। और ये लोग, ये एक पार्टी राफ्टिंग कर रही है, अभी इसके पास मैं रुक के आपको दिखा। ये है जी नारान क्रॉस करने के बाद पहला ग्लेशियर। एक कोल्ड ड्रिंक्स ठंडी करने का जुगाड़ आप देख लें, ये देसी फ्रिज है। मेरे ख्याल में ये तकरीबन 5-6 दिन तक ना ये थोड़ा कम हो जाएगा इनका फ्लो। ऊपर पहाड़ों के ऊपर तो काफ़ी बर्फ़ है लेकिन जो ज़्यादा ज़ोर है ना ये वाटर क्रॉसिंग का ये ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बटाकुंडी। अभी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ बटाकुंडी का, यकीन करें इतना खूबसूरत नज़र आता है ना दूर से। सामने इसके होटल हैं, बिल्डिंग जितनी भी बनी हुई हैं ये देखें बहुत खूबसूरत लगती हैं। आप देखिएगा कि 2-3 सालों में ना ये नारान से ज़्यादा जो है ना इसकी अट्रैक्शन हो जाएगी। अभी हमने बरवई क्रॉस किया तो वहाँ पे इस तरह जैसे ये देख रहे हैं आप ऐसे रोड के पैरेलल ऐसे बिल्कुल शफाफ क्रिस्टल वाटर जो है ना वो चल रहा है, ऊपर से जो मेल्ट हो के बर्फ़ आ रही है ना उसका पानी। तो आगे हमारा इरादा है स्टे करने का लोलोसर झील से थोड़ा सा आगे ना लेफ़्ट साइड पे एक मेडो है और बहुत ही खूबसूरत है, ऐसे लगता है कि आप पता नहीं कहीं किसी और दुनिया में आ गए हैं। यहाँ से आप समझें कि जलखंड स्टार्ट हो रहा है। रोड जहाँ पे वाटर क्रॉसिंग आती है ना वहाँ पे रोड का इशू है, उसके अलावा तो आप देखें रोड ऐसे ही है जैसे आप मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। अभी ऊपर जो आप देख रहे हैं ना वो
यहाँ पे इन्होंने मटर और आलू की काश्त की हुई है ये साइडों पे भी। अगर आप 10-15 दिन के बाद यहाँ आते ना गए, यकीन करें इतनी ग्रीनरी होगी ना कि जैसे ये पूरे के पूरे पहाड़ जो है ना हर तरफ से लश ग्रीन हुए पड़े होंगे, जैसे इनके ऊपर ऐसे चादर बिछाई हुई है ग्रीन कलर की। अब आगे लोलोसर झील से पहले जो एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट आना है जो यहाँ के पूरे एरिया में मुझे पसंद है, वो है बेसल। हम इस वक्त बेसल पहुँचने वाले हैं, और जो यहाँ की एक अच्छी बात मैं आपको बताऊँ ना, बहुत ही अच्छी बात, वो ये है, अभी पहले ये वाटर क्रॉसिंग गुजर लें और ये फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, तो मैं बेसल की अच्छी बात आपको बता रहा था। बेसल की सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे इस रूट पे ना, आप इस्लामाबाद से निकलें, चलास तक जाएं या बाबूसर टॉप तक जाएं, जो वॉशरूम की फैसिलिटीज़ यहाँ मून रेस्टोरेंट वालों ने दी हुई है ना, वो कहीं भी नहीं है। यकीन करें इतने साफ सुथरे वाशरूम हैं ना, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, और काफ़ी ज़्यादा हैं, तकरीबन 20-20 वाशरूम होंगे मेरे अंदाजे के मुताबिक, इससे कम भी हो सकते हैं। अभी आगे एक पुल आएगा छोटा सा, वो क्रॉस करेंगे तो हम बेसल में इंटर हो जाएंगे। ये है जी बेसर पुलिस पोस्ट, और अगर आप बाबूसर टॉप जाना चाहते हैं या फिर आगे स्कर्दू गिलगत वाया बाबूसर पास जाना चाहते हैं तो आपको ये पोस्ट जो है ना रात 5 बजे से पहले पहले क्रॉस करनी होगी। बेसल से अगला पॉइंट जो है ना वो है लोलोसर झील। तो ये हमने सामने वाला पुल क्रॉस करना है और हमारे लेफ्ट साइड पे लोलोसर झील आ जाए। यहाँ से ओवरफ्लो हो रहा है पानी इसका, ये देखें ये है लोलोसर लेक, ये 2.5-3 किलोमीटर लंबी है, उस साइड पे भी जाती है। अभी जो मेन इसका अट्रैक्शन वाला पॉइंट है ना व्यू, अभी वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके कुछ फोटोग्राफी करते हैं, फिर अपना अगला सफ़र जारी रखेंगे। अक्सर लोग जो गाड़ी अपनी आगे नहीं ना लेके आना चाहते, वो नरान में गाड़ी पार्क करते हैं और जीप लेके ना बाबूसर टॉप तक आ जाते हैं, जिसमें ये सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी को तकलीफ़ नहीं देना चाहते या समझते हैं कि अपनी गाड़ी आप रोड क्लियरेंस कम है, तो आप जो है ना नरान से जीप हायर करके आगे आ सकते हैं। अभी इस तरफ धूप है ना, इस तरफ इसका कलर और तरह का है, तो आगे टर्न कर जाएंगे जब, तो उस तरफ पहाड़ों की ना छांव आ गई होगी झील के ऊपर, तो वहाँ से इसका जो कलर है ना वो और तरह का हो जाएगा। यह है जी लोलोसर पे भी ना रश की सूरत हाल, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि बाबूसर टॉप पे ना काफ़ी रश होगा। तो यहाँ से गैटी दास स्टार्ट हो रहा है जो 12,000 फीट की बुलंदी पे है, तो अभी आगे एक पॉइंट आएगा वहाँ से हमने नीचे उतरना है, इसकी असल खूबसूरती वहाँ से है। तो जब भी आप बाबूसर टॉप आएँ, ये नहीं है कि नारायण से आपने गाड़ी बगाई है, लोलोसर झील पे रुके हैं और टापो टाप जो है ना बाबूसर पास और फिर वापस। गैटीदास मेडोज पे ना आपने लाजमी रुकना है, बहुत खूबसूरत है। तो अभी थोड़ा सा आगे जाके ना मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह जहाँ पर नीचे ऐसे 3-4 जगहों से चश्मों का पानी आ रहा है। यहाँ से हम ना नीचे उतरेंगे। जब हम नारान से बाबूसर टॉप जाते हैं तो ये रास्ते में गैटीदास के मेडोज आते हैं, जो हमारी नज़र में इसलिए भी नहीं आते कि यहाँ पर आकर रोड बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे आप स्विट्ज़रलैंड की सड़कों पर सफ़र कर रहे हैं, लेफ्ट राइट बंदा देखता ही नहीं है और ये लैंडस्केप मिस हो जाता है। वो गैटीदास चेक पोस्ट है
और जो गाड़ियां गुजर रही हैं वो बाबूसर टॉप की तरफ जा रही हैं। यहां से बाबूसर पास सिर्फ 8 किलोमीटर है। इसी तरह के झरने 3-4 साइडों से आते हैं जो इस मेडो को और भी खूबसूरत बनाते हैं। इतनी ज़्यादा खूबसूरत और पुरसकून आसान एक्सेस वाली जगह आपको और कहीं नहीं मिलेगी। आप में से अक्सर लोग बाबूसर टॉप गए होंगे, क्या आपने ये जगह देखी है? यहाँ कुछ पल के लिए रुके हैं, कमेंट्स करके लाजमी बताएं। असल में लोलोसर झील का मेन सोर्स ऑफ वाटर भी यही झरने हैं। यहाँ पर नाइट कैंपिंग की इजाज़त नहीं होती, आप सिर्फ दिन में यहाँ कैंपिंग कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, रुक कर खाना बना सकते हैं या चाय वगैरह तैयार कर सकते हैं। यहाँ की अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई कंटीन, कोई टक्शा वगैरह नहीं है, इसलिए यह जगह बहुत साफ और शफाफ है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हमारा कचरा हो उसे अपने साथ ले जाएं या किसी डस्टबिन में डालें। आपको हमारी ये वीडियो और ये जगह कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अगली वीडियो में हम बाबूसर पास से होते हुए पहुँचेंगे अस्तौर, ताकि पाकिस्तान में सबसे खूबसूरत लोकेशन मिनी मर्ग और दुनिया की छत कहलाए जाने वाले देवसाई प्लेन को एक्सप्लोर कर सकें।